वो रूफ सील में, रूफ सील का कवरेज कम है, पर रूफ सील का कवरेज कम होते होते ही रूफ सील का जो थिकनेस है, फिल्म का थिकनेस, वो थिकनेस रूफ सील में थोड़ा ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपका पेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो हम यूज करते हैं वाटरप्रूफिंग के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स डैम्प प्रूफ के बारे में और डॉक्टर फिक्सिट का रूफ सील के बारे में। तो एशियन पेंट्स का डैम्प प्रूफ और ये डॉक्टर फिक्सिट का रूफ सील, ये दोनों ही प्रोडक्ट हम रूफ वाटरप्रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं। एशियन पेंट्स का डैम्प प्रूफ हम वर्टिकल वॉल्स में, मतलब एक्सटीरियर वॉल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादातर ये आपको रूफ वाटरप्रूफिंग के लिए ही यूज़ होता है। इन दोनों प्रोडक्ट में क्या क्या अंतर है, क्या क्या समान अंतर है, वो उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ, ये दोनों ही प्रोडक्ट हम तीन कोट सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो तीन कोट सिस्टम में क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है सेल्फ प्राइमिंग, मतलब उसी में हमको पानी मिक्स करके इसको सेल्फ प्राइमर के रूप में यूज़ करना है और उसके ऊपर दो कोट पेंट कराना है। तो ये दोनों ही कोट जब हम करने वाले हैं, कम से कम फर्स्ट से सेकेंड कोट के बीच में 4 to 6 hours का गैप होना चाहिए दोनों ही प्रोडक्ट में। और दूसरी बात, जब मैं डैम्प प्रूफ की बात करूंगा, तो डैम्प प्रूफ हम पैराफिट वॉल्स या आप वर्टिकल वॉल्स, मतलब कि आप अपने एक्सटीरियर वॉल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, पर आप रूफ सील को आप बस टेरेस में और पैराफिट वॉल तक ही यूज़ कर सकते हैं। उसके आगे आप रूफ सील डॉक्टर फिक्सिट के डॉक्टर फिक्सिट का अलग ही प्रोडक्ट है जो आप एक्सटीरियर वॉल्स के लिए या वर्टिकल वॉल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा कवरेज का अगर मैं बात करूँ, तो डैम्प प्रूफ का कवरेज आपको लगभग 9 to 10 square feet तक देता है एक लीटर में, जहाँ की आपको रूफ सील का कवरेज आपको 8 to 10 square feet आता है। तो थोड़ा सा जो है वो रूफ सील में, रूफ सील का कवरेज कम है, पर रूफ सील का कवरेज कम होते होते ही रूफ सील का जो थिकनेस है, फिल्म का थिकनेस, वो थिकनेस रूफ सील में थोड़ा ज़्यादा है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि रूफ सील हो या डैम्प प्रूफ, ये दोनों ही यूज़ करते टाइम हमें फोर्स कवरेज नहीं करना है। फोर्स कवरेज का मतलब ये होता है कि हमें तब तक ही वो रोलर को रोल करना है या ब्रश से पेंट करना है जब तक वो पेंट या जो कोटिंग है वो कोटिंग जब तक ब्रश में है। अगर हम उसको फोर्स करते रहेंगे तो वो उसका इलास्टिसिटी और कम होता जाएगा, जिसके कारण जो वाटरप्रूफिंग का काम कर जो जब वो कोटिंग वाटरप्रूफिंग का काम करना होता है वो नहीं हो जाएगा। तो अब इसके अलावा इलोंगेशन, इलास्टिसिटी की अगर मैं बात करूं, तो डैम्प प्रूफ में हमारे पास इलोंगेशन है 220 और रूफ सील में इलोंगेशन 500 है। फिल्म थिकनेस ऑलमोस्ट 350 से 400 तक देता है और रूफ सील का फिल्म थिकनेस 400 to 450 होता है। तो हमेशा याद रखिए, फिल्म थिकनेस, जितना फिल्म आपका थिकनेस अच्छा हुआ उतना आपको वाटरप्रूफिंग अच्छे से हो जाएगा। और डैम्प प्रूफ आपको 1 mm तक का जो भी क्रैक है, जो भी आपके सरफेस में 1 mm तक का क्रैक है, वो क्रैक ना आने देगा ना उसको दिखने देगा। तो इसी में अगर रूफ सील की बात करूँ, तो रूफ सील आपको 2 mm तक का क्रैक ब्रिजिंग कैपेसिटी देती है, जिसका मतलब वही है कि 2 mm तक का जो भी क्रैक है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे रूफ सील से। तो जो लगाने का या एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो दोनों का ही सेम है। आप या डैम्प प्रूफ यूज़ कर रहे हैं या रूफ सील यूज़ कर रहे हैं, दोनों का एप्लीकेशन प्रोसेस सेम ही है। मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस में हमेशा याद रखिए, सबसे पहले हमें आपका सरफेस जो है, जो रूफ है, उसको पहले साफ करना है। उसके बाद उसमें पड़े जो भी क्रैक्स है उनको पहले क्रैक फिल करना है, या तो अगर हॉलोनेस है तो वो हॉलोनेस को रिपेयर करना है। वो रिपेयर कैसे करना है वो मैंने एक दूसरे वीडियो में आपको समझाया है, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा जब आप हॉलोनेस रिपेयर करते हैं, उसके बाद प्राइमर का एप्लीकेशन और दो कोट कैसे लगाना है वो भी सेम ही है दोनों में। मतलब हमेशा याद रखिए कि एप्लीकेशन प्रोसेस सेम है, पर प्रोडक्ट दोनों अलग अलग ब्रांड के अलग अलग हैं। ये दोनों प्रोडक्ट टेरेस या रूफ वाटरप्रूफिंग के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप अपने टेरेस या रूफ को वाटरप्रूफिंग करवाने का सोच रहे हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे वेबसाइट में लॉगिन करके देख सकते हैं। हमारा वेबसाइट www.aapkapainter.com। धन्यवाद।